नमस्कार, मैं डॉक्टर साडवाइज चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माणिक। आज हम हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायरोटॉक्सिकोसिस इस बीमारी के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि थायरॉयड क्या है। थायरॉयड नाम की एक ग्रंथि होती है जो गले के सामने स्थित होती है। इधर उसका आकार तितली के मापिक होता है, तितली के जैसे वो दिखते हैं। उसका स्त्राव होता है, उसका स्त्राव अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। उसका कार्य अगर ज़्यादा हो जाए, वो ज़्यादा सिक्रेट करने लगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म थायरोटॉक्सिकोसिस होता है। इसका कार्य क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। शरीर की बहुत सारी क्रियाएं इससे नियंत्रित होती है। तो आज हम देखेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म थायरोटॉक्सिकोसिस इसके कारण कौन से है, लक्षण कौन कौन से है, उसका डायग्नोसिस कैसे हम कर सकते हैं और अंत में ट्रीटमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण देखेंगे। कारण क्या क्या है। पहला है ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज यह एक ऑटोइम्यून डिसीज है। ऑटोइम्यून डिसीज में क्या होता है कि थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिंस यह ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, ज़्यादा तैयार होते हैं शरीर में। इसकी वजह से क्या होता है कि जो T3 T4 हार्मोन्स है, थायरॉयड हार्मोन्स, ये ज़्यादा सिक्रेट होते हैं। उसके बाद है थायरॉयडाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है। किसका, थायरॉयड ग्रंथि का। थायरॉयड ग्रंथि का दाह हो जाता है। उसके बाद है थायरॉयड ट्यूमर्स यानी गांठ तैयार हो जाते हैं। थायरॉयड की जो पेशी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी गांठ तैयार हो जाती है और हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट करने लगती है। उसके बाद है इंक्रीज्ड आयोडीन इनटेक। खाने में आयोडीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा जाती है। कुछ कुछ भाग ऐसे होते हैं जहाँ खाने में आयोडीन ज़्यादा होते हैं, पानी में आयोडीन ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ डिसीज ऐसे होते हैं कि शरीर में आयोडीन ज़्यादा हो जाता है कुछ डिसीज में, या फिर कुछ गोलियां ऐसी होती है उसमें आयोडीन कंटेंट होता है। कुछ सिरप ऐसे होते हैं वो आयोडीन कंटेंट होता है, वो ज़्यादा खाने से, बहुत महीनों तक लगातार खाने से शरीर में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और थायरॉयड हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट करने लगती है वो ग्रंथि। अब हम हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण कौन कौन से है यह देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला लक्षण, दृश्य लक्षण क्या है कि आप देखते ही उसे पहचान सकते हैं कि जो इधर की ग्रंथि होती है थायरॉयड ग्रंथि, वो सूज जाते हैं। इधर का भाग बहुत ही सूज जाता है, आगे आता है और दूर से भी देखा जाए तो वो बहुत ही बड़ा लगने लगता है। उसके बाद ही वजन अचानक से कम हो जाता है, नींद नहीं लगती, बार बार नींद टूट जाती है। पाल्पिटेशंस यानी कि हृदय की जो धड़कन होती है वो ऊपर से ही समझ में आती है, अपने आप को ही समझ आती है कि हृदय बहुत ही जोर से धड़क रहा है। हार्ट रेट बहुत ही बढ़ जाता है। ट्रिमर्स यानी क्या है कि हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं, बार बार कांपने लगते हैं ऐसे। पेशेंट को अस्वस्थता महसूस होती है, दिन हो या रात हो अस्वस्थ वह महसूस करने लगता है। प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स, आंखें जो है बाहर आती है, आंखें मानो बाहर ही आ रही है ऐसा लगता है। दूर से देखो तो आंखें बड़ी बड़ी, बहुत ही बड़ी लगने लगती है। लीड लैग है बहुत ही महत्वपूर्ण साइन है। लीड लैग मतलब क्या है कि जब हम ऊपर देखते हैं उसके बाद जब नीचे देखते हैं तो ऊपर की जो पलक है वो धीरे धीरे नीचे आती है। नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है कि वो ऊपर देखने के बाद नीचे देखने के बाद झट से नीचे आती है, लेकिन थायरॉयड लेवल बढ़ जाने के बाद, ऊपर देखने के बाद नीचे जब हम देखेंगे तो वो धीरे धीरे ऐसे आ जाती है। इसके बाद है हीट इंटॉलरेंस गर्मी उसे सहन नहीं होती। गर्मी हो, अगर आग हो, आग लगी हो तो आग के पास उसे जाया नहीं जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा वो। उसके बाद गर्म खाना खाए तो भी अस्वस्थ हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी अस्वस्थ हो जाएगा। हाथ पैर हमेशा ही गर्म रहते हैं, हाथ पैर में गर्मी महसूस होती है। इसके बाद हम इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं डॉक्टर कि आपको, आपका लेवल बढ़ा हुआ है या फिर नहीं, हाइपरथायरॉयडिज्म का डायग्नोसिस। पहले तो ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड में क्या टेस्ट करेंगे कि T3, T4, TSH यह थायरॉयड हार्मोन होते हैं, T3, T4 यह बढ़ जाते हैं और TSH जो होता है वो कम हो जाते हैं, तब डायग्नोसिस हो जाता है कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसकी सोनोग्राफी करते हैं थायरॉयड ग्लैंड की। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगे कि उससे भी ज़्यादा जांच करनी है तो भी CT स्कैन करेंगे, कुछ लोग MRI भी करेंगे। उसके बाद अंदर का पूरा पता चल जाता है। अगर कोई गांठ हो उसमें तो गांठ की तपासनी करने के लिए क्या करते हैं कि FNAC करते हैं, उधर गांठ में निडल डालकर छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं और वह
हिस्टोपैथोलॉजी के पास दिया जाता है, वो उसका रिपोर्ट आता है कि वो ट्यूमर कौन सा है, बिनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है या फिर कैंसर का है या फिर सादी गांठ है सिर्फ। अब हम हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट क्या क्या है, इसमें क्या होता है कि थायराइड लेवल बढ़ जाते हैं, हार्मोन लेवल, इसे कम करने के लिए एंटी थायराइड ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। उस ड्रग्स का नाम है कार्बिमेजोल टैबलेट, न्यू मार्केजोल 10 to 20 mg ओडी, यानी हर रोज एक टाइम दिया जाता है, आपके लेवल के हिसाब से, हार्मोनल लेवल के हिसाब से वो दिया जाता है। उसके बाद है प्रोपेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल ये कंटेंट का नाम है टैबलेट सिप्लार, 20 mg ओडी, यानी कि रोज सुबह एक टाइम दिया जाता है। उससे क्या होता है, हृदय की धड़कन जो है जो बड़ी हुई महसूस होती है, हाथ पैर कांपना, पल्पिटेशन, ट्रिमर्स, नींद न लगना, यह जो सारे लक्षण है वह कम हो जाते हैं। तीसरी जो है कि वो सर्जरी, सर्जरी में क्या किया जाता है कि अगर कोई गांठ हो, थायराइड हार्मोन की गांठ हो, उसे निकाल दिया जाता है, या फिर बड़ा हुआ जो भाग होता है उस ग्रंथि का, वो थोड़ा सा भाग निकाला जाता है, उसमें उससे क्या होता है कि थायराइड की जो लेवल है बड़ी हुई वो नॉर्मल लाने में मदद होती है। चौथा है रेडियो एक्टिव आयोडीन, अगर ऊपर की किसी भी ट्रीटमेंट से फर्क ना पड़े या फिर पहले फर्क पड़ता हो उसके बाद फिर लेवल बढ़ रही हो, या फिर क्या होता है कि रेजिस्टेंस होता है, कोई भी औषधि का रेजिस्टेंस हो, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करता है कि उसे सेल को ही, थायराइड सेल को ही मार देता है। उसमें उससे क्या होता है, सेल की संख्या कम हो जाती है, उससे क्या होगा कि अपने आप ही हार्मोन लेवल जो है कम हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको थायराइड के बारे में पूरी जानकारी दी। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर सर्वाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।